हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटेक के बारे में कि बीटेक क्या होता है, बीटेक हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न और फिर बीटेक के बाद जॉब सैलरी, हम इन सभी पॉइंट्स पे वन बाय वन जो है पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बीटेक होता क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बीटेक की अगर बात करें तो बीटेक एक टाइप का ग्रेजुएशन होता है। तो कभी कभी हमें क्या होता है, क्लास ट्वेल्थ के बाद निकलते हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि ग्रेजुएशन किसको बोल रहे हैं, क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम ट्वेल्थ से ऊपर पढ़ते हैं तो जो कोर्स करते हैं, जैसे हम कुछ भी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, तो ये जो कोर्सेज हम करते हैं उसको हम डिग्री बोलते हैं और इसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। यानी हम कौन सी डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं। और इसी ग्रेजुएशन को कई जगह पे यूजी बोला जाता है, यानी अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। और आप यूजी के बाद जैसे ही मान लो आप एमए करते हो, एमएससी करते हो या फिर एमटेक करते हो, तो उसको बोलते हैं पीजी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट यानी बाद में, तो ग्रेजुएट जब हम 12 से बाद पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं, और इसको अंडर ग्रेजुएट भी बोला जाता है। और जब हम ग्रेजुएशन के बाद का जो कोर्स करेंगे उसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, जिसमें एमटेक आता है, एमएससी आता है, एमए आता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे क्लियर हो गए कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है। तो बीटेक जो है ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है, यानी हमें इसमें एडमिशन लेने के लिए, ये एक डिग्री है जिसमें हमें एडमिशन लेने के लिए क्लास ट्वेल्थ पास होना चाहिए। और क्लास ट्वेल्थ के बाद फिर अगर हमने पास किया अच्छे परसेंट से, कई जगह पे क्राइटेरिया होता है 50% का, कहीं कहीं पे 55% होता है। तो अब हम समझ गए कि बीटेक एक्चुअली होता क्या है। तो अब किस किस टाइप का बीटेक होता है इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बीटेक में भी कई सारे टाइप्स होते हैं। तो बीटेक को अगर सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा जो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं इस वर्ड को, वो बोलते हैं इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग। ऐसा नहीं है कि आप बीटेक करोगे तो ही इंजीनियर बनोगे। बीई एक कोर्स होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियर्स, उसके बाद भी आप बन सकते हो। और ये बीटेक जो होता है वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है फुल फॉर्म। तो बीटेक को कई लोग इंजीनियरिंग भी बोलते हैं कि मैं इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ, यानी बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा बीटेक में कौन सा कोर्स कर रहा हो, या फिर कहते हैं कि इंजीनियरिंग किस फील्ड में कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है इसके भी कई सारे टाइप्स हो गए। जैसे मान लो बीटेक जो है इंजीनियरिंग जो है, इसमें सिविल इंजीनियरिंग आ गया जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से रिलेटेड होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गया जो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि कार का मैन्युफैक्चर करना, उसके पार्ट को असेंबल करना, तो ये जो पार्ट्स है वो आ गया मैकेनिकल में। उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यानी सीएस इंजीनियरिंग, तो जो कंप्यूटर में एप्लीकेशन बनाना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सीएससी में चली जाती हैं, तो सीएससी भी बोलते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसी को भी बीटेक बोला जाता है, मैंने आपको बताया। तो यही बीटेक इन सीएससी, तो ये बोला जाता है। इसके बाद आता है आईटी भी आ जाता है, सीएससी से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है आईटी, यानी बीटेक इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप चाहो तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हो, क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी करते हो, यानी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी होता है, मास कम्युनिकेशन भी होता है। मास कम्युनिकेशन यानी कि जो टीवी पे जो जो एंकर होते हैं वो बोलते हैं उसमें फील्ड, या फिल्म, ये फिल्म एंड एनिमेशन में भी बीटेक होता है, कि अगर आप फिल्म और एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें करते हो, एनिमेशन यानी कि जो चीज़ें कार्टून टाइप की चीज़ें दिखाई जाती हैं तो उसको एनिमेशन बोलते हैं। तो अगर आप फिल्म एंड एनिमेशन में भी इंटरेस्टेड हो तो उसमें भी आप बीटेक कर सकते हो। बीटेक यानी इंजीनियरिंग एक्चुअली है क्या, कि इंजीनियरिंग जो है सभी चीज़ों में रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक तरह का टेक्नोलॉजी है जो हर एक फील्ड में यूज होता है। आप सिविल इंजीनियरिंग को देख लो, वो जो होता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, यानी घर बन रहा है, पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है। हमें समझना होता है कि हमें किस किस टाइप सी चीज़ें यूज करना चाहिए जिससे कि कम से कम मटेरियल भी यूज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका यूज भी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चले। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सिविल इंजीनियरिंग में हो गई। और वैसे ही अगर हम सीएससी में बात करें तो एप्लीकेशन बनाना और फिर इस टाइप की चीज़ें जो हो जाती हैं।
तो कई बार कई चीज़ों को मिला के भी बनाया जाता है। जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ, एक कार बन रही है, तो कार बनेगी तो सिर्फ उसमें मैकेनिकल इंजीनियर नहीं, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक से जो चीज़ें होती हैं उसमें, जैसे म्यूजिक बजा दिया, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाला नहीं जा रहा है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट उसे करेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, और हमें यहाँ पे चूज करना होता है कि मैं एक्चुअली किस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी होता है, तो आप देख सकते हो कि आपको एक्चुअली किस फील्ड में जाना है। तो आप यहाँ पे समझ गए होगे कि बीटेक क्या होता है, बीटेक को ही इंजीनियरिंग बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बीटेक करने के बाद हमें कौन कौन सी जॉब मिल जाती हैं। तो मैं आपको सभी सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बीटेक होता है, तो बीटेक के पढ़ने के बाद आपको कुछ होता नहीं, आप जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो। जैसे बीए करता है कोई, बीएससी करता है कोई, वैसे ही बीटेक है। जैसे बीए कंप्लीट हुआ, बीएससी कंप्लीट हुआ, बीटेक कंप्लीट हुआ, सिंपल सा नॉर्मल सा बात है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। पर एक्चुअली होता क्या है कि बीटेक में जो फी होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि मैंने इतना पैसा लगाया तो मुझे उसके फिर बदले में कुछ मिलना चाहिए। हाँ भाई, मिलना भी चाहिए। तो यहाँ पे जो होती हैं कंपनियाँ जो होती हैं, वो स्टूडेंट्स को यहाँ से लेके चली जाती हैं। कुछ कंपनीज विजिट करती हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे मान लो कोई कंपनी है, किसी भी मान लो किसी कंपनी को एक नया एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत है, गेमिंग एप्लीकेशन बनाना है, तो उसे क्या है, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ेगा। तो वो क्या करता है कि कुछ लोगों को ऐसे रखना चाहता है कि जो हल्का फुल्का काम हो उसे वो मैनेज करे। तो इसके लिए वो उन स्टूडेंट्स को लाता है जो अभी सीख रहे होते हैं, तो उनको कम पैसा देना पड़ता है। और बच्चों के लिए क्या होता है कि वो कुछ क्या है कि अर्निंग का सोर्स आ जाता है, और वहाँ से वो अपनी जो स्किल है वो डेवलप कर पाते हैं, और कहीं काम उनको मिल जाता है। तो इसीलिए क्या है कि ये एक माना जाता है कि भाई इंजीनियरिंग कर लेते हैं और हमें कहीं में कहीं ना कहीं कोई कंपनी प्लेसमेंट में बुला लेगी। तो फ्रेंड्स, यही जब कंपनी लेके जाती है, इसी को हम कहते हैं प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स, आप जो टेक्नोलॉजी सीखे हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल है, तो आपको कंपनी ले ही जाएगी। जो कि बीए और बीएससी वालों को थोड़ा इसके कंपैरिजन में कम बताया जाता है। बीए जो होता है 3 साल का, बीएससी हुआ 3 साल का, लेकिन बीटेक जो है वो 4 साल का होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाता है कि थोड़ा सा आप उस फील्ड में समझ सको। तो यहाँ पे आपको क्या है कि कई सारे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, आप थोड़ा सा ग्रोथ करते हो यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी समझ में ही आ जाए। समझ रहे होगे बात को, कि ज़रूरी नहीं कि आप कोई कोर्स कर रहे हो तो उसमें मास्टर हो, पर उसमें सिखाया यही चीज़ जाता है कि आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको समझ जाओ। एक्चुअली जो 100% दिखाया जाता है, जैसे आप टेक्नोलॉजी के मास्टर हो जाओगे, यानी आप बीटेक कर लोगे, आपको इंजीनियरिंग आने लगेगी, आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, आप बिल्डिंग बनाने लगोगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आप उसका बेसिक समझ पाओगे, बेसिक। एक्चुअली है कि इंजीनियरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपस में अगर मैं आपको बताऊँ इंजीनियरिंग के बारे में, तो इसमें 4 साल लगते हैं कंप्लीट करने में, और इन 4 साल में 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, यानी 4 साल में 8 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, और हर एक सेमेस्टर में 8 से 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कुछ आसान होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। तो यहाँ पे उतना भी कठिन बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें आप जाओगे वहाँ पे आराम से कर लोगे, वो चीज़ें उतनी भी कठिन नहीं होती हैं। आसान आसान सा, मतलब आप उसको मेहनत करने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, आप उन चीज़ों को हल्का हल्का। आपको क्या किया जाता है, थोड़ा सा अगर आप, मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मुझे कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा सा बताया जाएगा, मुझे मैकेनिकल के बारे में भी थोड़ा सा बताया जाएगा। क्यों? ताकि मैं उसके साथ कभी मिलूं, या उससे कोई बात करूं, या वो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आ जाए जिसे हम दोनों मिल के काम करना पड़े। और फ्यूचर में क्या अभी भी हो रहा है, कई सारे सिविल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर मिल के काम कर रहे हैं, कहीं पर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सीएससी चारों मिले हुए हैं, तो मिल के काम करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें उनके जो कोर्सेस हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में ले जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आएँ।
तो मैं बता रहा था कि इंजीनियरिंग जो है आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, अगर आपने बीटेक किया तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, यानी आप भी उसी लेवल पे खड़े हो जहाँ पे बीए वाला लड़का खड़ा है और बीएससी वाला लड़का खड़ा है, यानी बीए का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बीएससी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और आपने बीटेक करी है तो आपका भी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुआ। आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है, हाँ आपने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के मामले में सीख लिया थोड़ा सा, और हाँ हो सकता है कि आपकी इंग्लिश भी थोड़ी सी अच्छी हो गई हो, क्योंकि आप बीटेक सभी कोई पढ़ नहीं पाता, जिसके पास हाई पैसा यानी बहुत ज़्यादा पैसा होता है वही जा पाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, अगर मिडिल क्लास का जो अगर लो बच्चा होगा कम बहुत कम अर्निंग वाला तो उसे लोन लेके ही पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग की फीस बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे बीए बीएससी और बीटेक ये बीकॉम ये जो सारी चीज़ें हैं सब एक जगह पे खड़ी हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है बस आपका। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आता है कि मैं बीटेक के बाद कौन सी जॉब कर सकता हूँ, बीएससी या बीए के बाद कौन सा जॉब कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक यही सिंपल सा बात है कि आप पुलिस में भी जा सकते हो जो ग्रेजुएशन लेवल मांगा जाता है, जैसे कई सारी नौकरियाँ आती हैं उसमें कहा जाता है कि आप जो हो वो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट रहना चाहिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बीए किया है बीएससी किया है या बीटेक किया है, पर किसी किसी जो जॉब्स हैं जो टेक्निकल जॉब्स हैं उसमें ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि जो लड़का है या लड़की है या जो भी कैंडिडेट है उसे बीटेक किया रहना चाहिए। तो आप जिसमें स्पेसिफाई किया है कि बीटेक का ही बंदा चाहिए तो उसमें बीटेक वाला ही अप्लाई कर सकता है, लेकिन लिखा है ग्रेजुएशन तो उसमें ग्रेजुएशन का कोई भी लड़का अप्लाई कर सकता है। और जो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब आती हैं वो ग्रेजुएशन के लिए आती हैं, जो टेक्निकल पोस्ट होती हैं जैसे जूनियर इंजीनियर हो गया या फिर कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर हो गया, इस टाइप के जो इंजीनियर होते हैं ये गवर्नमेंट जो उसमें सिर्फ बीटेक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इंजीनियरिंग करने का एक और भी तरीका है, वो है डिप्लोमा। आप क्लास टेंथ तक पढ़े, क्लास टेंथ के बाद आपने क्या किया, एक डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लिया। डिप्लोमा में एडमिशन लेने का यानी इंजीनियरिंग वाला जो चीज़ था जो आपको बीटेक में पढ़ना था वो आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया और 11th 12th नहीं किया। तो फ्रेंड्स 11th 12th नहीं किया, आपने कर लिया इंजीनियरिंग यानी डिप्लोमा कर लिया, तो आप डिप्लोमा करके भी उसी लेवल पे रह जाते हो, फिर आप आओगे बीटेक, आपको करना ही पड़ता है तभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट माना जाता है। यानी अगर आप क्या करते हो कि क्लास टेंथ तक पढ़ते हो, टेंथ के बाद डिप्लोमा कर लेते हो जो बेसिक बता दिया जाता है इंजीनियरिंग का, और डिप्लोमा के बाद आप सोचते हो कि नहीं मैंने तो पढ़ लिया इंजीनियरिंग, तो आपको अभी भी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली है। अगर कोई जॉब आती है कि आप ग्रेजुएशन ही अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन वाला बंदा ही, तो उसमें डिप्लोमा किया हुआ बंदा अप्लाई नहीं कर पाता। इसीलिए डिप्लोमा करने के बाद जो डिप्लोमा वाला स्टूडेंट है कैंडिडेट है उसे क्या करना पड़ता है, बीटेक करना पड़ता है। हाँ उसने पहले से थोड़ा कुछ समझ रखा है तो उसे 1 साल की छूट दे दी जाती है, यानी 3 साल में ये कंप्लीट होता है, ठीक है। बीटेक जो है वो 3 साल का कर दिया जाता है और इसी को लैटरल एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटरल एंट्री इन बीटेक, लैटरल एंट्री इन सीएससी, लैटरल एंट्री इन सिविल इंजीनियरिंग, इस टाइप का चीज़ें जो होता है वो लैटरल एंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है लैटरल एंट्री की हो गई, और ऐसा नहीं है कि और बात करते हैं डिप्लोमा कितने साल का होता है, तो डिप्लोमा होता है 3 साल का, डिप्लोमा होता है 3 साल का। तो फ्रेंड्स यहाँ तक पूरी चीज़ें क्लियर हैं, यानी कि बीटेक के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, किसी भी ऐसे जॉब में जाना चाहते हो जहाँ पे ग्रेजुएशन सिर्फ डिमांड हो तो आप जा सकते हो। बेनिफिट यह है बीटेक का कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कई सारी ऐसे जॉब्स आती हैं जिसमें टेक्निकल डिमांड होती है तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, जबकि जो टेक्निकल का डिमांड होगा उसमें बीए और बीएससी वाला बंदा नहीं अप्लाई कर सकता। लेकिन बात करें यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप ग्रेजुएशन मांगता है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं मैटर करता कि आप बीटेक किए हो, बीए किए हो, बीकॉम किए हो या फिर बीएससी किए हो, कुछ भी किए हो, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कि बीटेक जो है ये ग्रेजुएशन लेवल है। तो फ्रेंड्स अभी बात कर लेते हैं कि बीटेक में सैलरी क्या होती है। मान लीजिए आपने बीटेक कर लिया तो आपको कोई कंपनी आई और सेलेक्ट करके लेके चली गई, पर मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि सभी का प्लेसमेंट नहीं होता, कहीं भी 100% प्लेसमेंट नहीं हो सकता और ना ही होता है, बल्कि स्कूल जो कहते हैं कि मैंने 100% प्लेसमेंट दिया वो होता नहीं है। उसने इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा हुआ है, मैं उसको हो सकता है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँ, वो आप देख लेना। तो फ्रेंड्स 100% प्लेसमेंट तो वो नहीं होता,
ठीक है, तो आप बच्चे क्या करते हैं, उनको ये फोकस करना चाहिए कि कहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, कहाँ पे वो अपने आप को अच्छे से ढाल सकते हैं, तो वो फोकस करते हैं कि प्लेसमेंट कहाँ पे अच्छा हो रहा है। सही है कि प्लेसमेंट बताता है कि हाँ कौन सा कॉलेज अच्छा है, जहाँ पे अच्छा होगा वहाँ पे प्लेसमेंट भी जाहिर सी बात है अच्छा होगा, पर कई सारे जो कैंपस हैं वो गलत तरीके से दिखाते हैं कि मेरा जो प्लेसमेंट है इतना है, मेरे यहाँ प्लेसमेंट जो है इतना है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो झूठ बोलती हैं बच्चों की कि मेरे यहाँ पर इतना प्लेसमेंट हुआ, इतना प्लेसमेंट हुआ। एक्चुअली वो करती क्या है, वो चाहती हैं कि बच्चा कैसे भी जाए, वो बंदा चला जाता है, वो प्लेसमेंट पाता भी है। कंपनी क्या है कि फोर्थ ईयर में रहा, फोर्थ ईयर से चला गया किसी कंपनी में, एक साल किया जॉब, अब वो जॉब करने गया, इधर स्कूल का काम ख़त्म कि मेरे बच्चे का प्लेसमेंट हो गया। और जो बच्चा गया है वो एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल छोड़ देता है जॉब, फिर वो किसी काम का नहीं रहता। अगर उसके पास टैलेंट है तो वो फिर मेहनत करता है, मेहनत के बल पे कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो होता है, कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं प्लेसमेंट पा जाते हैं और छोड़ देते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी जा रहे हो आप देखो कि वहाँ पे ऐसा भी होता है क्या, और होता तो ज़रूर होगा। आप अपने जो मेन गोल पे फोकस करना, और प्लेसमेंट में जा रहे हो प्लेसमेंट में बैठो, प्लेसमेंट में जाओ, कंपनी में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने माइंड को एक्टिव रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, काम करूँगा, और हो सकता है कि मुझे एक साल दो साल बाद निकाल दिया जाए। तो आप उस चीज़ को प्रिपरेशन में अपने जो है उस चीज़ को कंसिडर करके अपनी प्रिपरेशन करना, और अपना बेस पहले से ही मजबूत बनाए रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे कि गेट होता है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता कि अच्छा अभी तक तो ये गेट क्या होता है, मैं अभी आप क्लियर करना। जैसे आपने जेई एग्ज़ाम दिया वैसे ही गेट एग्ज़ामिनेशन होता है, जो आप बीटेक करते हैं लोग, यानी जब आपको बीटेक में एडमिशन लेना होता है तो आप जेई का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, जेई का एग्ज़ाम देते हो। लेकिन अगर आपको बीटेक के बाद आगे जाना है तो आप क्या है, गेट का एग्ज़ाम देते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको गेट का एग्ज़ाम देना ही पड़े, आप चाहो तो दो, आप चाहो तो मत दो। लेकिन अगर आप गेट का एग्ज़ाम देते हो तो आप क्या है कि जो कुछ PSUs होती हैं उसमें आप जॉब पाने के लायक होते हो, अगर आपका नंबर बहुत अच्छा आया है तो, ठीक है। तो PSU होता है, इन सब चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। अभी सिर्फ इतना जो है, बीटेक क्या होता है हम चीज़ समझ गए। PSU जो होता है एक प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी होती है जो दोनों मिलकर काम करती हैं, यानी आपका जो नौकरी है वो सरकारी रहेगा लेकिन आप काम प्राइवेट की तरह करोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है PSU वो होता है, और बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।